नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट एक ऐसा खूबसूरत सा पौधा है जो कि आपके घर की खूबसूरती को तो बढ़ाता ही है और साथ में आपके आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। क्योंकि अगर हम बात करें मनी प्लांट की तो एक तरह का एयर प्योरीफायर पौधा भी होता है जो कि आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। और सबसे अच्छी बात है इसको मिट्टी में पानी में आप कहीं भी उगा सकते हैं, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस पौधा है। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे, किस तरीके इसकी केयर करेंगे, कौन सी इस पे खाद आपको देनी चाहिए, कब इसकी कटाई छटाई करनी है, कितना धूप में रखना है, कितना इसको घर के अंदर रखना है, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहते हैं। बात करें सबसे पहले कि मनी प्लांट को लगाएंगे कैसे। मनी प्लांट की केयर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन से आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। सबसे बहुत जरूरी चीज़ है इसको हम ग्रो कैसे करें, कहाँ पे लगाएं। तो अगर आप मिट्टी पे लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी मिट्टी रखनी होगी जिससे कि मनी प्लांट एक्चुअली पे होता क्या है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो पूरे के पूरे, जैसे आप किसी पॉट पे गमले पे लगा रहे हैं तो पूरी के पूरे पॉट पे जड़ें इसकी फैल जाती हैं चारों तरफ। ऐसा नहीं है कोई एक जगह रूट जाती है, इसकी चारों तरफ फैलती हैं रूट्स। तो इस वजह से इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो बिल्कुल ड्रिलिंग वाली होनी चाहिए, जिसपे कि मतलब मुलायम भुरभुरी मिट्टी जिसको हम बोल सकते हैं उस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। इसमें आपको रेत भी मिलाना है मिट्टी पे और गोबर खाद और कोकपिट मिला लीजिएगा। वर्मिकोलाइट और परलाइट अगर आप मिला लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कोकोपिट लेंगे तो नमी बनी रहेगी, क्योंकि इस पौधे को नमी थोड़ी सी पसंद होती है, बहुत ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पे कि इस पे धूप की बात कर लेते हैं तो इसको कहाँ रखना चाहिए। तो इसको बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो पौधा आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली हो जाएंगी या जगह जगह पे सूखने लगेंगी पत्तियाँ और आपका पौधा अच्छा नहीं चल पाएगा। तो अगर आप इसको अच्छा लगाना चाहते हैं पूरे घर पे कहीं भी लगाइए। आप किचन पे लगा सकते हो, आप अपने बाथरूम पे लगा सकते हो, आप अपने रूम पे लगा सकते हो, आप अपने ड्राइंग रूम पे लगा सकते हो, कहीं भी इसको लगा सकते हो। बस क्या है कि वैसे आपने ड्राइंग रूम पे लगा रखा है या फिर आपने बाथरूम या किचन पे लगा रखा है तो आप इसको कुछ ऐसी जगह पर रखिए कि इसको थोड़ी सी रोशनी अच्छी खासी मिलती रहे। रोशनी मिलती रहेगी तो पौधा अच्छा खासा चलता रहेगा। और थोड़ा बहुत आप हफ्ते में एक आध दिन टाइम निकाल करके घंटे दो घंटे के लिए सुबह की धूप, जो हल्की धूप होती है सुबह वाली मॉर्निंग वाली, उस धूप पर थोड़ा सा रख दीजिएगा, आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। बहुत ज़्यादा पानी भरने की जरूरत नहीं है अगर आपका पौधा अंदर रखा है। और अगर आप पौधे को बाहर रखते हैं, कहीं भी बाहर रखते हैं, तो ऐसी जगह पर रखिएगा कि धूप बहुत ज़्यादा ना है। जैसे पौधा है आप देख पा रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा धूप इस पर नहीं रहती है, घंटे दो घंटे की धूप सुबह आती है और बस इसके अलावा धूप नहीं रहती है। और पानी वगैरह चेक करते रहिए, जो ऊपर की इसकी परत जो है, ऊपर की मिट्टी जो है सूख जाए तभी इसको पानी दीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, पर्याप्त मात्रा में पानी इसको दीजिए, लेकिन नमी बनी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, तो इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगेन हम बात करें कि इसका जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से रहना चाहिए। नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं या 15 से 24 डिग्री टेम्परेचर पर इसको आसानी से आप कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैंने अपने स्टूडियो पर भी रखा हुआ है और अच्छा खासा मनी प्लांट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि ज़्यादातर ये रूम बंद भी रहता है, लेकिन जब भी हम इसको खोलते हैं तो लाइट्स वगैरह जलती हैं, तो लाइट में भी ये सर्वाइव करता रहता है अच्छा खासा। बात करें कि हम इसमें खाद वगैरह जैसे डालने की बात करें कि इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, तो मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं होती। आप महीने में एक बार इसको डाल सकते हैं। इसको नाइट्रोजन वगैरह कुछ उर्वरक की जरूरत होती है, इसके लिए आप गोबर खाद या वर्मिंग कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको यूज़ करिए। जिससे कि क्या होगा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आप एक इसमें ग्रोथ प्रोमोटर वगैरह भी डाल सकते हैं अगर चाहें। और इसके अलावा आप इसमें सरसों वाली खली, सरसों खली को भी लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं साथ में, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें कटाई छटाई की, तो कटाई छटाई समय समय पर बहुत सारे नोट्स वगैरह निकल आते हैं एक्स्ट्रा, तो अगर आपको लग रहा है कि कटाई छटाई की ज़रूरत है तो कटाई छटाई इसकी करते रहनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे, हाँ एक चीज़ और होती है कि कभी कभी इसके पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, तो जो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं उन पत्तियों को हटाते रहना चाहिए। और पत्तियाँ पीली इसलिए होती हैं कि कभी कभी ज़्यादा खाद या ज़्यादा पानी हो जाती है तो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पत्तियाँ ऑटोमेटिक पीली होती हैं और उनके बगल से नोट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको कि बगल में दूसरी पत्तियाँ निकलने वाली होती हैं, तो ऐसी कंडीशन पर वो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो पीली पत्तियों को काट करके या छांट करके अलग करना चाहिए, तो इससे ब्रूनिंग वगैरह इसकी थोड़ी बहुत करती रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और कीड़े मकोड़ों से बचाने की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ पत्तियों में कीड़े वगैरह लगते हैं, तो अगर कीड़े वगैरह से आप लग रहा है कि कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा वही नीम ऑयल ले लीजिए। नीम ऑयल में पानी, बस एक लीटर पानी ले लिया तो उसमें एक चम्मच 5 ml के आसपास नीम ऑयल ले लीजिए, उसको मिला करके स्प्रे कर दीजिए, तो उससे मच्छर हैं या कीड़े मकोड़े बहुत सारे लग जाते हैं इस पर। जो कीड़े ऐसे लगते हैं जो पत्तियाँ खाने लगते हैं तो वो कीड़े वगैरह हट जाएंगे।
अब जैसे मनी प्लांट को आप ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, सर देखिए हमने यहाँ पे मनी प्लांट को जो है खिड़की पे चढ़ा रखा है और खिड़की में ऊपर पूरा ये फैला हुआ है, और मेरा दूसरा वाला मनी प्लांट जो आप देख रहे थे तो वो ज़मीन पे फैला हुआ है। हम चाहें तो जो ज़मीन में फैला हुआ है उस तरह वाले मनी प्लांट को हम मॉस्टिक वगैरह लगा करके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो मनी प्लांट की अगर अच्छी ग्रोथ आप चाहते हैं तो उसकी बेल ज़मीन में फैलने लगती है, तो ऐसे भी क्या करना चाहिए आपको, उसकी आप ज़मीन में ना फैले ऊपर की तरफ जाए तो वहाँ पर मॉस्टिक या लकड़ी का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह इस तरीके का आता है, एक बांस का स्ट्रक्चर बना बनाया जाता है, तो आप उसको भी लगा दें, बेर जो है उसके सहारे पे ऊपर चढ़ने लगती है। और अगर आप हैंगिंग वगैरह में लटकाते हैं तो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऊपर से लटकता है तो बड़ा अच्छा लगता है देखने पे। पानी में अगर मनी प्लांट आपने लगा रखा है तो फिर क्या करें, तो पानी में लगा रखा है तो हफ्ते में कम से कम एक बार तो पानी आपको बदल ही देना चाहिए, और पानी बदलने से उसमें NPK या सॉल्ट कुछ इस तरीके से लिक्विड उर्वरक भी आप मिला सकते हैं। तो महीने पर एक बार दो बार आप कुछ लिक्विड में थोड़ा सा उसमें डाल दीजिएगा खाद वगैरह, जो उसको उससे पोषण मिलता रहे, क्योंकि पानी में तो कुछ एक्स्ट्रा पोषण और नहीं मिल पाता, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं वही मिल पाते हैं, और क्योंकि मिट्टी वाली बात और पानी में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और ज़्यादा धूप पे नहीं रखना है, इनडायरेक्ट वाली रोशनी पे रखिए, आपका मनी प्लांट बहुत ही अच्छा चलने वाला है। और मनी प्लांट से केयर की ट्रीटमेंट जो भी हमने आपको बताई, आपको कैसे ले कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी यूजफुल जानकारी आपके लिए हम वीडियो पर लाते रहेंगे लगातार। मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, नमस्कार।